गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उर्मिला पुंडी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, मैथ्स लेक्चरर। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, इंटर में एक चैप्टर है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमने जो डिफरेंशियल सीखा है 11th क्लास में, वो है क्या कि जब हम किसी फंक्शन में कोई एक्स के स्थान पर कोई चेंज करते हैं, बहुत छोटा लाइक एच, तो जब हम चेंज करते हैं तो फंक्शन का मान कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो जो चेंज निकालते हैं और पहले फंक्शन था उसमें चेंज निकालते हैं, तो हमारे पास दो मेथड थे। वो मेथड क्या थे? एक मेथड तो हमारे पास होता है, दोनों को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा इतना डिफरेंस है। अब दूसरा जो हमारे पास तरीका है बताने का, वो क्या है कि हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? कि फंक्शन में डी वाई किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष क्या परिवर्तन हुआ है, वही हम क्या करते हैं हमारे डिफरेंशियल में। तो उसी पर एक आधारित एक एक्सरसाइज है हमारा कि जो डेरिवेटिव्स निकालते हैं उनके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो हम कहाँ कहाँ उनका प्रयोग करते हैं? एक तो हम ज्ञात करते हैं किन्हीं भी राशियों में परिवर्तन की दर। जैसे कि कोई प्लेट ली आपने और वो पहले हमने गर्म करने पर देखा, उसका बिना गर्म किए देखा कि उसका क्षेत्रफल कितना है। फिर हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद उसका जो क्षेत्रफल है वो अब कितना चेंज हो गया है, वो ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन में जो चेंज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे हम? डिफरेंशियल की तरह से। तो डिफरेंशियल में कैसे किया जाता है, वही आज आधारित क्वेश्चन बता रही हूँ। तो पहला तो एप्लीकेशंस ये है, और दूसरे क्या हैं हमारे, उनका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मान निकालना। तीसरा है हमारा उसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना किसी भी फंक्शन का। एक होता है हमारा कि किसी की भी टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी किसी भी कर्व की। तो पहला टाइप देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ है, मैं इस पे कोई क्वेश्चन बता रही हूँ। ये दिया हुआ है वृत्तीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो दो टाइप हैं, समझ लेंगे क्या कि जब वो त्रिज्या आर के सापेक्ष खुद कहेगा, त्रिज्या के सापेक्ष या फिर ऊंचाई के सापेक्ष कुछ भी दे, तो पहले आपको करना क्या है, पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल मान लेंगे और त्रिज्या आर दे दी है, तब माना क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। और हमें r के सापेक्ष उसमें चेंज निकालना है, किसमें, क्षेत्रफल में। अगर हमने पहले ही त्रिज्या r का वैल्यू रख दिया तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आएगा। और अगर हम डिफरेंशियल करने लगें तो सब में जो चेंज आएगा वो अचर का कितना होता है हमारा, शून्य, तो सब का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो। तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें आर की वैल्यू कब रखनी है, जब हम उसका डिफरेंशियल ले लेंगे, और किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर देखना कितना हो जाएगा, ये हमने 11th क्लास में सीखा है, पाई इंटू, सब हमारे अचर होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, केवल जिसके सापेक्ष लिया है उसका डिफरेंशियल कर देंगे। एक्स की पावर एन का कितना होता है, एन एक्स। अब हमें यही तो मान निकालना था इसका, किस पर, r इज इक्वल टू 5 पर। ये हो गया हमारा 2 इंटू 5 एंड 10 पाई, इसका जो यूनिट होती है वो भी जरूर लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पर कितना है ये हमारा, त्रिज्या, तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर अपॉन त्रिज्या। तो मर्जी है, आप खाली ये भी लिख सकते हैं अगर किसी को डाउट लगे, इकाई, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि किसी का भी हमें किसी के सापेक्ष निकालना है डिफरेंशियल, तो उसके सापेक्ष डिफरेंशियल निकाल देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, जब हमें ये नहीं कहा है कि आर के सापेक्ष निकालिए, क्या लिखा हुआ है कि किसी भी घन का आयतन, देखो क्या दिया हुआ है, किसी भी घन का आयतन 8 cm³/s है, इसकी दर से बढ़ रहा है, तब पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि किनारे की लंबाई 12 cm दी हुई है। तो जो घन का आयतन हुआ है, नोट करेंगे इस बात को कि जो ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको ये नहीं कहा किसके सापेक्ष करना है, तो इससे मुझे पता चला पर सेकंड समय के साथ जो वॉल्यूम में परिवर्तन होता है उसको हम निकाल रहे हैं। तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो अगर हम है क्या ये घन, तो लैट घन की जो आपकी लेंथ है, घन की लंबाई, लंबाई यानी घन की साइड की भुजा की लंबाई कितनी है हमारी a, तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3, ठीक है, यहां तक आया। अब इसने जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है dv अपॉन dt, तो देखो क्या लिखेंगे हम, t के सापेक्ष करेंगे, t के
सापेक्ष डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हो गया हमारा डी वी अपॉन डी टी। अब कन्फ्यूजन हो गया आपको कि यहाँ तो ए के सापेक्ष तो दिया ही नहीं है, टी के सापेक्ष दिया है, तो डी वी अपॉन डी टी इसको मैं पूरे को टी मान के करती हूँ जैसे, तो ये कितना हो जाएगा, तीन ए स्क्वायर, आपने 11th क्लास में सीखे थे, इसको हमने क्या मान लिया, टी मान के किया है, और टी मान के जो भी करा फिर उसका डिफरेंशियल। अब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया, 8 इज इक्वल टू 3a² डी ए अपॉन डी टी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं फिलहाल यही मान निकाल रही हूँ। और ये इसका वैल्यू कितना आया, 8 अपॉन 3a² इसका वैल्यू निकाल लिया। ये अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपको क्या मान निकालना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो मुझे क्षेत्रफल चाहिएगा, तो मैं इसका यहाँ पार्ट कर रही हूँ, ये जो दिया हुआ है हमारा। अब देख लेंगे घन का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का क्षेत्रफल ये हम सभी जानते हैं 6a² तो क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हो आप, a से, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, उस पर आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि फिक्स है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, जैसे हमने वहां किया था, t के ही सापेक्ष करना है, ये हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, पता चल गया होगा आपको ये करना है। अब यहाँ भी तो इसको भी तो मैंने t मान के किया है, डी ए अपॉन डी टी, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, 8 अपॉन 3a² 8 अपॉन 3a² ए स्क्वायर एक कैंसिल हो गया हमारा, और ये इससे काट दिया हमने, ये हुआ 32 अपॉन a। अभी तो कुछ दिया हुआ है हमें, a की वैल्यू 12, तो हम ये लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, आप इसको देख लेंगे कि हमें जो आंसर दिया हुआ था वो हम कैसे करेंगे, इसको सोल्व करके आंसर दे देंगे। तो हमने ये नहीं लिखी लास्ट में लाइन, आप आंसर जब देंगे तो ऐसे लिख देंगे कि क्षेत्रफल के बढ़ने की दर इज इक्वल टू ये, और पता है ठीक है, नहीं तो आप इकाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा यहाँ तक, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर दिए गए हैं, एक क्वेश्चन और है, एक एक टाइप बता रही हूँ बेटा मैं आपको, तो आप जब देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आ जाएगी बात। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी उत्पाद की इकाइयों के विक्रय से बेचने से कुल आय RX रुपयों में इसके द्वारा दी गई है। अगर हमें सिंपल दे दी गई होती तो हम क्या करते कि सीधा मान निकालते और उन्हें आपस में माइनस प्लस करके आंसर निकल जाता, लेकिन यहाँ फंक्शन की फॉर्म में दी हुई है तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है सीमांताएं बतानी है। अब ये सीमांताएं होती क्या है देख लेंगे, ये तो कुल आपकी इनकम है, लेकिन सीमांताएं क्या होती है, किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत, जैसे कि परिवहन का खर्च है और आपका कुछ किसी कारण से बढ़ गया है आपका खर्च, या आपके जो मजदूर हैं वो कम हो गए हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ चेंज हो जाता है, तो वो जो चेंज होने के बाद आय होती है वो है हमारी सीमांत आय। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम ये लिखेंगे, और चेंज आपको पता है जब भी लिखते हैं उसी को तो हम डिफरेंशियल बोलते हैं। ये हो गया R-X इज इक्वल टू, जानते हो ये 26x आ जाएगा, ये 26 और इसका 0। अब इसी को तो कह रही हूँ मैं MX, इसको बोल दिया हमने MX, X की वैल्यू रख दीजिए 7, यही तो चाहिए थी सीमांत आय। आप हिंदी में पूरी लिखेंगे, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ समय की वजह से, ये लिखेंगे 26x7 मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा इतना रुपया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको इसका नया टॉपिक, ठीक है, तो नए टॉपिक में क्या करेंगे, हमने ये जो चैप्टर में अभी पढ़ा है कि परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बतानी है कि अगर आपका जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इतने की दर से बढ़ रही है, इतने की दर से घट रही है, तो आपको एक साइन लेना है, बढ़ने का साइन प्लस और घटने का साइन माइनस लेना है, ठीक है। तो जो हमारा बढ़ने का टाइम था तो उसे हम लिख सकते थे, उसने कहा आयतन बढ़ रहा है, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू पॉजिटिव 8। और अगर यही बात कहता कि आयतन घट रहा है तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है।
तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जहां भी बढ़ रहा है और या जहां भी घट रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव साइन। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ एक फलन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताना कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो मैं क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ बता रही हूँ आपको कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होते हैं। देखो, हमें सबको हर जितने भी मैंने कैलकुलस में क्वेश्चन किए हैं उनके लिए सबके लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है, ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। और ग्राफ से ही हम पूरे चैप्टर का बता देते हैं शॉर्ट में कि ये चीज़ यहाँ यूज होगी। तो अगर मैं फंक्शन में मान रख रही हूँ और ये फंक्शन ऐसे बढ़ता चला जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कैसे, हमने कोई फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू रखते हैं वो ये ली जाती हैं। तो एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वाई का मान ऐसे ही ऐसे बढ़ता जा रहा है, एफ एक्स का मान बढ़ रहा है। तो एक चीज़ लिख रही हूँ कि अगर मान x का बढ़ाने पर फंक्शन का मान भी इंक्रीज होता चला जाए तो वो फंक्शन कैसे होते हैं हमारे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर कहीं कहीं इंक्रीज वाले में ऐसा भी ग्राफ आ जाता है, कभी इंक्रीज होगा और कभी डिक्रीज होगा, तो दो तरह की बात हो सकती हैं एक ही केस में। एक ऐसा भी केस आएगा कि हमारा फंक्शन का एक्स का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये एक्स का मान है, ये एक्स का मान है, देखो हम यहाँ तक आए, लेकिन पहले जब यहाँ था वैल्यू एक्स की मान रखे तो हमारा वाई का मान बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे हमारा मान बढ़ता चला गया हमारा वाई का वैल्यू कम होता चला गया। तो जब हम एक्स का मान बढ़ाते हैं तो हमारे फंक्शन का मान अगर घटता चला जाए तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग। इसमें भी ऐसी ही कंडीशन हो जाती हैं कि या तो वो लगातार हो जाए या फिर ऐसे ही कर्व की फॉर्म में। अब मैं इसके बारे में बता दूंगी, जैसे ये दिया हुआ है कि वर्धमान कौन से होते हैं, दो बात होंगी, वर्धमान और निरंतर वर्धमान। तो मैंने जो बोला है वही लिख रही हूँ कि अगर मेरा ये x1 ये x2 है, x1 का मान x2 से छोटा हो या x2 का मान x1 से बड़ा हो तो फंक्शन के मान भी बढ़ते चले जाते हैं। x1 कैसा हो, छोटा हो x2 से, तब fx1 कैसा होगा, fx2। देखो मैंने जानबूझकर यहाँ भी यही लिख लिया, बस एक अंतर आएगा, देखो क्या, यहाँ तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा, ये तो है ओनली हमारा वर्धमान फंक्शन, तो यहाँ तो इक्वल हो सकता है, लेकिन ये जो निरंतर है, निरंतर मीन्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चला जाएगा और अगर घट रहा है तो वो घटता ही चला जाएगा, तब हमारी यहाँ ओनली यही वैल्यू आएगी कि हमेशा ऐसे ही होगा। ऐसे ही हमारा दूसरे में है, ये तो वर्धमान की बात हुई है, अब आ रहे हैं हम ह्रासमान पे। ह्रासमान कैसे होते हैं, ये वाली बात पे आ जाओ, अगर ये x1 है ये x2 है तो अगर x2 का मान x1 से बड़ा है तब हमेशा उल्टी बात होगी। ये तो ह्रासमान की बात हुई और ये निरंतर डिक्रीजिंग की बात हुई, ठीक है, तो ये रटना नहीं है, समझना है बस कि अगर हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके फंक्शन के मान घटेंगे ह्रासमान में और बढ़ेंगे वर्धमान में। अब यहाँ आ जाओ, इस पर जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, कैसे, सबसे आसान क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो सबसे पहला टाइप क्वेश्चन का ये है कि ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, बताइए कि आर, आर क्या होता है, रियल नंबर्स, उन पर ये कैसा होता है, निरंतर ह्रासमान होता है। अब दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर लेती हूँ, कुछ लोग केवल एक ही मेथड यूज़ करते हैं ये वाला, लेकिन दूसरा श्योरली बिल्कुल सही मेथड है, क्योंकि जब हम फंक्शन बड़े फॉर्म में करते हैं तो हम इसका जरूर प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ इस दोनों का प्रयोग करूँगी। देखो कैसे, ये जो दिया हुआ है फर्स्ट मेथड में बिल्कुल उसी से करूँगी जो मैंने अभी बताया था कि अगर x1 less than x2, तो मैं फंक्शन ऐसे बनाना चाह रही हूँ, तीन तीन जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसका ये किसका वैल्यू है आप लोग जानते हो, ये हो गया हमारा fx1 less than fx2,
और यही तो चाहिए था आपको, कह देंगे निरंतर वर्धमान है, ओ सॉरी ह्रासमान है। अब यहां जाओ, इसी को मैं सेकंड मेथड से बता रही हूं। देखो क्या कि जब ये एक्सरसाइज ही डिफरेंशियल की है तो इसका मतलब कि कुछ समय के बाद जो चेंज हो रहा है, यहां देखो यहां से यहां चेंज हुआ, तो मैंने कैसे निकाला कि डिफरेंशियल करने के बाद, तो डिफरेंशियल करना ही पड़ेगा और डिफरेंशियल से भी मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ। मैं क्या करूँगी कि पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल लूँगी और ये हो जाएगा 2 × 1 + 3 और ये हो जाएगा हमारा 6। अगर मेरा मान यहाँ x में होता तो मैं कोई दिक्कत नहीं थी, और अब नहीं है, किस पर निकालना है मुझे नहीं पता है, ठीक है। हमने डिफरेंशियल निकाल लिया है, x में भी आ जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी मेथड बताएंगे। तो ये बताइए कि आप कुछ भी कर लें डैश करने के बाद आंसर कितना आया, 6 है, और हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। और जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब चेंज करने के बाद भी ये बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान होगा। अब मैं बता रही हूँ क्या है, ये जो पॉइंट पे निकाला है ना, मैंने किसी पे भी डैश निकाला है, कहाँ गया ये गलती लिखा हुआ बट्टा मैंने, ये क्या है हमारा निरंतर वर्धमान, ये निरंतर वर्धमान फलन निकालना है। तो मेरा ये पॉजिटिव आया तो कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि सदैव ये पॉजिटिव ही रहेगा और कोई भी इसका आंसर किसी भी तरह चेंज नहीं होगा। इसी पर दूसरा क्वेश्चन ये आ गया आपका, देखो क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस इंटरवल पर ये कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो इसका फिर डैश, मैं इसको बिल्कुल कम से कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम इसको करते करते डैश कैसे इक्वल कैसे लाएं, टीचर को पता रहता है लेकिन बच्चे को दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ। इसका डैश निकाल दीजिए, कितना आ गया 2x। किस इंटरवल पर कहा है, माइनस अनंत से जीरो पर, ये देखो यहाँ से यहाँ कहा है, तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की हर वैल्यू निगेटिव होगी। निगेटिव होगी मतलब जितनी भी मान आएंगे, -5 आए -4 आए, तो x का मान कोई भी आपके पास पॉजिटिव नहीं है, इसलिए जो भी वैल्यू रखोगे वो आपकी निगेटिव आएगी, क्योंकि x किसके लिए, प्रत्येक x के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे लिख देंगे, अब कैसा हो गया, नेगेटिव है तो निरंतर ह्रासमान, कहीं किसी भी कंडीशन में दिए गए अंतराल के लिए ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। अब यहां तक करा दिया, अब ये क्वेश्चन देख लें आप, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और मुझे ये नहीं बताया ये किसके लिए है, R पर कहा है, R माने रियल नंबर, अपॉन में, माइनस में, जिसमें भी कहें आप। यहाँ देखो एफ एक्स बराबर, फिर वही यूज करने वाली हूँ, देखो ये मैं इसको रेज कर रही हूँ, आप ये वाला क्वेश्चन यहाँ देखें, सिर्फ एक ही मेथड से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, आप कुछ भी कर लें, ठीक है। इसने कहा है कि ये मान रखना है आपको, निरंतर वर्धमान दिखाना है, तो वर्धमान दिखाने के लिए डैश मैंने निकाल दिया और मुझे पता नहीं आर है क्या। आप जानते हो बहुत सारी संख्याएं, यहां तक कि ये भी, ठीक है। अब कुछ भी ले ले आप, सिंपल सी बात बता रही हूं कि हमें माइनस देखते ही घबराहट होगी है कि एक लेंगे नहीं लेंगे, तो मैं बता रही हूं ये अगर आपने वैल्यू पुट कर भी दी कितनी आएगी, और ये हमेशा E का मान, आज मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ E का मान किससे किसके बीच में होता है, एक से एक, एक, एक किसके बीच में होता है, 1/2 और 1/3 के बीच में शायद, ठीक है। तो 1/2 और 1/3 के बीच में, तो ये वाली चीज़ होगी हमारी। तो कुछ भी हो हमें आज ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन जो भी आएगा मान, कुछ भी आए, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अतः निरंतर कैसा है, वर्धमान है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए होंगे वहां आपसे अंतराल पूछेगा, तो हम अंतराल भी याद कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है fx,
ये दिया हुआ है और इसने कहा है एफ एक्स एलिमेंट। देखो भाई मैं एक एक टाइप लिख रही हूँ यहाँ, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस टाइप का क्वेश्चन कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स एलिमेंट आर आर पर निरंतर वर्धमान, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा डैश निकाल चुके हैं और आज मैं ये नहीं बता पा रही कि x का मैं मान रखूंगी तो पूरे फंक्शन का मान नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगी इसका पूर्ण वर्ग बना लूंगी, आपकी मर्जी है पूरे में से कॉमन ले लेंगे और चाहे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ 3x स्क्वायर माइनस पूर्ण वर्ग बना लेंगे 2x प्लस 1 माइनस 1, ये हुआ 3, यहाँ देखो ये हुआ x माइनस 1 का स्क्वायर, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो माइनस 3 प्लस 4 और ये हुआ भाई हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बता दें ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये x माइनस 1 का स्क्वायर सदैव 0 से बड़ा और 0 भी हो सकता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं इसको कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, हर वैल्यू के लिए। तो कह देंगे ये निरंतर वर्धमान है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हुए हैं कि हमारे से अंतराल भी पूछा हुआ है, तो ठीक है आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे और करके देखते हैं इसको।